ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो मोड में ऑपरेट कर सकता है, वन इज कॉल्ड डिफरेंशियल मोड एंड कॉमन मोड, और इन दोनों मोड में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कैलकुलेट होकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसकी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। नाउ इस लेक्चर में हम रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प की बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे आइडियल ऑप एम्प के केस में इन कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो सेटिस्फाई करेंगे आइडियल ऑप एम्प को, राइट। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे आइडियल ऑप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और यू कैन से डिफरेंट पैरामीटर्स और डेफिनेशन रिलेटेड टू योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो सबसे पहला, अगर आपको याद हो, मैंने ऑप एम्प के स्टार्टिंग में बताया था, इफ दिस इज अ सिंबल ऑफ ऑप एम्प और मैं आपको बोलूं कि अगर आपने कोई इनपुट वोल्टेज यहां पे अप्लाई नहीं करी, इफ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी इनपुट वोल्टेज, तो हमारी आउटपुट वोल्टेज कैसी होनी चाहिए? जी हाँ, हमारी आउटपुट वोल्टेज जीरो होनी चाहिए, राइट। बट प्रैक्टिकली आउटपुट वोल्टेज जीरो नहीं मिलती, हमने बोला था देयर विल बी सम आउटपुट वोल्टेज, जिसे हम पिन नंबर 1 और 5 पे कुछ इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस वोल्टेज को जीरो करते हैं। सो दैट इज माय ऑप एम्प कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने वहां पे बोला था, दैट इज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। जी हाँ, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कौन सी वोल्टेज है? द वोल्टेज एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प व्हेन देयर इज नो इनपुट वोल्टेज, बिना किसी इनपुट अप्लाई किए अगर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है, देन इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब इस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को नल करने के लिए हमने पढ़ा था पिन नंबर 1 और 5 पे हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं एट द इनपुट साइड, दैट पर्टिकुलर वोल्टेज इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रीसेट द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। आउटपुट ऑफसेट को जीरो करने के लिए जो वोल्टेज इनपुट टर्मिनल्स पर अप्लाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। सो ये तो हो गई आउटपुट ऑफसेट और इनपुट ऑफसेट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे याद दिलाने के लिए बोलूँ, यहाँ पे दो ऑप एम्प टर्मिनल होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने माना था कोई करंट फ्लो नहीं करता, बट इफ आई टेक सपोज दिस इज IB1 और IB2, राइट। सो इन दैट केस यही इन दो करंट के बेस पे दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बोली जाते हैं, वन इज कॉल्ड द इनपुट ऑफसेट करंट, अनदर वन इज कॉल्ड द बास करंट। सो अगर आपको इनपुट ऑफसेट करंट पूछा है, तो इनपुट ऑफसेट करंट का मतलब होता है दैट इज IB1 - IB2, यानी इन दोनों बेस करंट, जो हमारे दो टर्मिनल करंट हैं, इन दो टर्मिनल करंट का डिफरेंस। वहीं पे इनपुट बास करंट होता है दैट इज द एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज, यानी IB1 + IB2 / 2। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन योर इनपुट करंट, कह सकते हैं टर्मिनल करंट। अगर दोनों टर्मिनल करंट का डिफरेंस हम ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट करंट, और अगर दोनों टर्मिनल का हम एवरेज करंट ले रहे हैं, यानी कि IB1 + IB2 / 2, तो दैट इज कॉल्ड इनपुट बास करंट। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ड्रिफ्ट। नाउ व्हाट इज दैट ड्रिफ्ट? तो ये जो आपकी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है, जिसको हमने नल कर लिया बाय अप्लाइंग द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, बट क्या हुआ, सपोज आप मेरे पास आए, मैंने आपको आउटपुट ऑफसेट को जीरो कर लिया आपने, और मैंने आपको डिवाइस IC दे दी, बट अब आप इसे दूसरी लोकेशन पे लेके गए, वहां ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज इस आपकी ये जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है फिर जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, कि आपके आउटपुट ऑफसेट में कितना चेंज होता है पर डिग्री सेल्सियस यानी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप एम्प इज CMRR, जो ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर पूरा डिटेल में कर चुके हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉमन मोड को कितना रिजेक्ट कर रहा है, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, एंड इट इज मैथमेटिकली डिफाइन एज AD/AC, या इन डेसिबल दैट इज डिफाइन एज 20 log base 10 AD/AC, राइट। सो इट इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल द ऑप एम्प सप्रेसेस आइडेंटिकल सिग्नल्स ऑन द इनपुट्स रिलेटिव टू द डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल, जो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पूरी तरह से कवर अप कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे यहाँ पे CMRR इंपॉर्टेंट था, इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज कॉल्ड द स्लू रेट, एंड इट इज डिफाइन एज द आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर मैं इसे डिफाइन करूँ, तो ये डिफाइन इस तरह से होता है कि आउटपुट वोल्टेज कितना जल्दी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज। जी हाँ, आपने इनपुट वोल्टेज में चेंज किया, आपके आउटपुट वोल्टेज में भी उतना ही चेंज या उसी के अकॉर्डिंग चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एम्पलीफाई होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द स्लू रेट। दैट मेजर, वो जो पैरामीटर ये रिलेशन मेजर करता है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट के रेस्पेक्ट में कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, उस चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं स्लू रेट, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर स्लू रेट, और स्लू रेट पे यहाँ कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम पुट अप हो जाता है, सो आई हैव आल्सो कवर्ड अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, ऑप एम्प हैविंग अ स्लू रेट ऑफ 2 वोल्ट पर सेकंड,
Now, what is the closed loop voltage gain? Yani what is the voltage gain basically that can be used when the input signal varies from 0.5 volt in 10 second? Yani input signal mein jo variation hota hai, then what is the voltage gain? So, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज द वोल्टेज गेन. वोल्टेज गेन होता है वी नॉट बाई वी आई. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं दोनों वैल्यू, आउटपुट भी और इनपुट भी. तो व्हाट इज द गेन, दैट मीन्स द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट टाइम एंड द इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस बिकम द स्लू रेट डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये हमें गिवन है 0.5 वोल्ट चेंज होता है पर 10 सेकंड पे. सो व्हाट इज द स्लू रेट, दैट इज 2 वोल्ट पर सेकंड डिवाइड बाय 0.5 डिवाइड बाय 10. सो इट बिकम्स 10 इनटू 2 20, 20 डिवाइड बाय 0.5. सो दैट बिकम्स 40 इज द वोल्टेज गेन इन दिस क्वेश्चन, राइट. तो CMRR हो या स्लू रेट हो, इस पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर क्वेश्चन पुट अप होता है कि इन इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कीजिए. व्हाट डू यू मीन बाय स्लू रेट, व्हाट डू यू मीन बाय CMRR. बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इनपुट रेजिस्टेंस. जी हाँ, व्हाट इज द इनपुट रेजिस्टेंस. इनपुट रेजिस्टेंस डिफाइन एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड एट आइदर द इनवर्टिंग टर्मिनल और नॉन इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द अदर टर्मिनल कनेक्टेड टू द ग्राउंड. या तो आप इनवर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट कीजिए या आप नॉन इनवर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट कीजिए, उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे बोला जा रहा है इनपुट रेजिस्टेंस. और एज पर डेटा शीट जो आपका 741 IC यानी जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए इनपुट इंपेडेंस होता है 2 मेगा ओम यानी 2 × 10⁶. वहीं पर अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस. जी हाँ, व्हाट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस. सेम आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दैट कैन बी मेजर्ड बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प एंड द ग्राउंड, देन इट इज कॉल्ड द आउटपुट रेजिस्टेंस. और इसकी डेटा शीट के अकॉर्डिंग वैल्यू होती है फॉर 741 IC दैट इज इक्वल टू 75 ओम. तो आउटपुट रेजिस्टेंस कम होता है, इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होता है, ये ऑप एम्प की बेसिकली टेंडेंसी होती है. अब अगर इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में बात भी करी है, जैसे मैं फिर अगर आपसे बोलूं कि हमने पढ़ा है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, यानी कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज अगर आपसे पूछा जाए क्या ऑप एम्प बिना किसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करे आउटपुट वोल्टेज जनरेट करना चाहिए, आप मुझे क्या बोलेंगे, जी नहीं. आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. यानी ऑप एम्प बिना कोई इनपुट अप्लाई किए कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं जनरेट करना चाहिए. सो दैट बिकम्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑप एम्प, राइट. अब आइडियल ऑप एम्प क्या है, आइडियल ऑप एम्प यही है जो ये कैरेक्टरिस्टिक को विदहोल्ड करे, दैट इज कॉल्ड द आइडियल ऑप एम्प, कि जिसमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई करे बिना कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए, जिसके अंदर वोल्टेज गेन ज्यादा से ज्यादा यानी इनफाइनाइट होना चाहिए, जिसके अंदर CMRR इनफाइनाइट होना चाहिए यानी वो कॉमन मोड को रिजेक्ट करे पूरी तरह से, स्लू रेट इनफाइनाइट होना चाहिए, सो दैट द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस अगर साइमल्टेनियसली विद इनपुट वोल्टेज. जैसे ही हमारी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज में चेंज हुआ, आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट स्लू रेट. इनफाइनाइट बैंडविड्थ, सो दैट कोई भी एम्पलीफिकेशन, कोई भी फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है वो आपका एम्पलीफाई किया जा सके विदाउट एनी अट्यूनेशन, सो दैट्स व्हाई इनफाइनाइट बैंडविड्थ. वहीं पे इनपुट रेजिस्टेंस, अभी हमने बोला इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तो आइडियल ऑप एम्प के लिए इनपुट रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट और आउटपुट रेजिस्टेंस होता है जीरो. तो दीज आर बिकम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में एज इट इज लिखने के लिए आता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल ऑप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यही सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी पढ़ी हैं, इन्हीं की आइडियोलॉजी वैल्यू एज फॉर अ आइडियल ऑप एम्प हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. तो विद दिस आपका ये जो हम ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ या एप्लीकेशंस की बात करूँ, वो यहाँ पे ओवर होता है. नाउ एक लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस में और मेंशन है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर. जी हाँ, कंपैरेटर की तरह मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कैसे यूज कर सकता हूँ, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.